हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देखा होगा, टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, बट समहाउ हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो या हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ गया तो हो लेकिन आप उस चीज़ को लेकर के सेटिस्फाइड ना हो। आइए मैं बताती हूँ। सो बेसिकली सही बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता कि आज की रीडिंग का टॉपिक आखिरकार है क्या, और अभी हंसी मुझे इसलिए इतनी आ रही है बिकॉज दिस इज़ अ गाइडेड वीडियो। आज की जो ये रीडिंग होने वाली है ना गाइस, ये बिल्कुल गाइडेड होने वाली है, और मुझे खुद को नहीं पता ये कौन से राज की बात हो रही है ठीक है। सो आज बेसिकली आई एम गाइडेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक राज, या एक ऐसा स्पेसिफिक सीक्रेट जो डिवाइन आपके सामने आज के इस वीडियो के द्वारा रखना चाहती है, खोलना चाहती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा राज है जो डिवाइन आपसे काफ़ी टाइम से छुपा रही है, या वो कौन सा राज है जो आपको पता लगने वाला है आपकी ज़िंदगी के लिए। सो यहाँ पर ना आपके पास में पाइल के लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये नंबर्स कौन से हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं आपके मोबाइल नंबर के आखिरी डिजिट। यस, आपके मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट हो सकती है ये। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैंने जब पहले ये पाइल सिलेक्शन रखा था ना आप लोगों के लिए, तो आप ऐसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कौन से वाले नंबर का एंड डिजिट हम लोगों ने देखना है। सो गाइज आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी आप जो है अपने फ़ोन के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो सेलफ़ोन है अगर आप उसके अंदर वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जो इंटरनेट जिस सिम से या इंटरनेट आपका जिस नंबर से चल रहा है आप उस नंबर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, पीसी में देख रहे हैं, कहीं भी से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपका वो पर्टिकुलर नंबर जो आपके हद ज़्यादा काम आ रहा है अभी हाल फिलहाल, स्पेशली फॉर द सोशल मीडिया, स्पेशली लोगों से डील करने के लिए, एक ऐसा नंबर जो हद ज़्यादा आपके काम आता है, इफ़ यू हैव 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर भी अगर आपके पास है ना, तो भी आपने ये चीज़ देखनी है कि वो कौन सा नंबर है जो आपके हद ज़्यादा काम आता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके जितने भी जानकार हैं, जितने भी जानने वाले हैं, उन सबके पास वो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना जो वो नंबर है वो पिक कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रिक्वेंसी को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के रीडिंग का टॉपिक एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो आज डिवाइन आपसे शेयर करना चाहती है, और आपका मोबाइल का आखिरी नंबर इस पोल को खोलने में मदद करेगा डेफिनेटली। अगर आपका एक ऐसा मोबाइल नंबर है जिसका इस्तेमाल आपके सारे मोबाइल नंबर से ज़्यादा होता है और उसकी लास्ट डिजिट है 1, 2, 5, 6 या 9 में से कोई एक, तो समझ जाइए कि आपने फाइल नंबर 1 को पिक करना है। अगर आपका कोई ऐसा नंबर है जो हद ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपकी लाइफ के अंदर, वो नंबर सबसे ज़्यादा लोगों के पास है और उसका लास्ट डिजिट है 3, 4, 7, 8, 0, तो आपने फाइल नंबर 2 को पिक कर लेना है। सिंपल इज़ दिस। आप जिस भी कंट्री में हैं, आप जिस भी दुनिया के कोने में बैठ के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप लोग जो है गाइस इस फाइल सिलेक्शन को बहुत अच्छे से पिक कर लेंगे। और फिर किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेसिकली आपने वही फाइल पिक करनी है जहाँ पर आपका एंड डिजिट ऑफ नंबर है, या मैं कहूँ एंड डिजिट है आपके उस फ़ोन नंबर का, जो फ़ोन नंबर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। नो पर्सनल नंबर, नो प्रोफेशनल नंबर, जस्ट टेक वो वाला आपका नंबर जो हद ज़्यादा यूज़ होता है आपकी ज़िंदगी में, ओके। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं इस प्यारी सी रीडिंग को। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वो कौन सा राज है भाई जिसके लिए ये गाइडेड वीडियो आज प्रिपेयर की गई है। चलिए तो शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों के उस वाहिद और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट 1, 2, 5, 6, 9 में से है, तो चलिए शुरू करते हैं, ये है आपकी रीडिंग।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ इन द पाइल नंबर 1 की रीडिंग में। और पाइल नंबर 1 आपने शायद इसीलिए पिक किया है कि आपका जो वो सेलफोन का नंबर है ना, जो आपका मोबाइल नंबर है, उसकी लास्ट डिजिट 12569 में से कोई एक है। और ये वही नंबर है जिसका इस्तेमाल बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है आपकी लाइफ में। आप इंटरनेट उससे ब्राउज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया पे उस नंबर की वजह से हैं, आपने उसी नंबर को अपने डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स के अंदर रन किया हुआ है, यही नंबर आपने अपने सारे बहुत सारे रिलेटिव्स को दिया हुआ है, और यही नंबर है जो आपने बहुत ही ज़्यादा लोगों को दिया हुआ है ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट में रह सकें, आपके साथ रबते में रह सकें। सो गाइस, अगर आपके उस मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट है 95612, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, सो दैट आप लोगों को भी ये दिखता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और सबसे पहले थोड़ा सा प्रेजेंट एनर्जी के अंदर टैप इन कर लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो क्या चल रही है। इससे क्या है ना, आपको एक अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग आप ही की है, किसी और की नहीं, राइट। चलिए देखते हैं। हे ईश्वरी शक्ति, हे ईश्वरी शक्ति गाइड करें विद क्लैरिटी। मोबाइल नंबर। फिर भी कोई कंफ्यूजन है ना आप लोगों को, अगर फाइल सिलेक्शन में फाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो अपलोड होने के 1 से 1.5 घंटे तक कमेंट सेक्शन में ही रहती हूँ ताकि मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ सकूँ, आप लोगों के कमेंट्स से रिप्लाई कर सकूँ। तो आप ना मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दो अब तो किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी हाँ, एक चीज़ और हो सकती है आपके दिमाग में एज ए कन्फ्यूजन कि वो नंबर जो सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सारे ऐप्स, इंटरनेट ब्राउजिंग सब में, लेकिन वो नंबर अब मैं कॉलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस नंबर को आप ज़्यादा हद ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसी नंबर के लास्ट डिजिट को ही आपने पिक करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, आपके अभी हाल फिलहाल एनर्जीज क्या चल रही है, किस एनर्जी सर्कल में आप लोग अभी हाल फिलहाल बैठे हैं। फॉर द पाइल नंबर 1, 5 of Swords, 5 of Swords, Swords हमेशा लॉसेस को दर्शाती हैं, Swords हमेशा इमोशनल, स्ट्रांग इमोशनल खराब टेंडेंसीज को दर्शाती हैं, Swords हमेशा बताती हैं कि कहीं ना कहीं बंदा उलझा हुआ है, मतलब उलझन की एनर्जी हो सकता है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग किसी जगह पर ना बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है इस उलझन का सुलझन आपको कहाँ मिलेगा, और आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हैं। यू गाइज डोंट हैव दैट मच कैलिबर, उस तरीके का अभी आपके पास में एक प्रॉपर कैलिबर नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर पोटेंशियल नहीं आ रहा है कि आप अपनी उस परेशानी को या उस कोई पर्टिकुलर चीज़ को अपने जहन से निकाल के बाहर फेंक दें। हो सकता है ये कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जिसे हम इनर चाइल्ड ट्रॉमास भी कहते हैं, बचपन में कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया हो जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें टिक 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 करती रहती हैं, और उन पास्ट की चीज़ों की वजह से आपका प्रेजेंट जो है आपको सिक्योर फील नहीं होता है। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम फीलिंग कि यहाँ पर बहुत ही इनसिक्योर लोगों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं चीज़ों को लेकर, आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं लोगों को लेकर के, आप इनसिक्योर है कि आज आपके पास जो है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, ये पर्टिकुलर पर्सन मेरी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में रहेगा या नहीं रहेगा, या मैं इस पोजीशन पर बनी रहूँगी या नहीं रहूँगी। अब अगर मैं ये रहूँगी करूँगी, मतलब गी या ई की एनर्जी में होती हूँ ना कि लड़कियों वाली या फीमेल एनर्जी, तो ये मत सोचिएगा कि अगर कोई लड़का इस रीडिंग को देख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो जो मैं फीमेल एनर्जी के अंदर हूँ ना, तो इस वजह से मैं उस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके,
सो इनसिक्योर लेवल ऑफ एनर्जीज है, एक ऐसी इनसिक्योर लेवल ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा परेशान और बेजार सा महसूस करते हैं. परेशान और बेजार सा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम नहीं चाह रहे होते हैं फिर भी हम परेशान हो रहे होते हैं, बस वही. नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर जस्टिस. तो हो सकता है आप इसे, बहुत सारे लोग किसी कोर्ट कचहरी के मसले में फंसे हुए हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जस्टिस का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, अपने आप को पावर में आने का भी इंतज़ार कर रहे हैं. ठीक है, अपने आप को यू नो पावर में लाने का इंतज़ार कर रहे हैं. आप ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जस्टिस चाह रहे हैं और पावर में आना चाहते हैं, अपनी पावर में रहना चाहते हैं, अपनी अकड़ में रहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप भी किसी से कम नहीं है. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर. एंड द थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड हियर इज किंग ऑफ कप्स. भाई पाइल नंबर वन पीपल, आई मस्ट से प्यार के मामले में, इमोशन के मामले में आप लोगों के साथ हुई है किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी. ठीक है, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी जिसकी वजह से सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हुई है. माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, अगर आपके सेलफोन के डिजिट का नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ योर सेलफोन नंबर इज 12569, आई मस्ट से यू गाइज आर इन इनसिक्योर एनर्जी, जस्टिस की तलाश में, इमोशन से बहुत ज़्यादा भरे हुए, लेकिन बहुत ही पथेटिक एनर्जी के अंदर हैं आप लोग. तो ये आपकी जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी चल रही है. ओके, अब हम बात करेंगे भाई उस सीक्रेट के बारे में, ठीक है, जिसके लिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हो. ये सीक्रेट क्या हो सकता है? ये सीक्रेट हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है ये सीक्रेट आपके लव से रिलेटेड हो सकता है कि ये सीक्रेट आपकी होल लाइफ से रिलेटेड हो. लेट्स सी. मैजिशियन, फोर ऑफ वांड्स, खुद ब खुद कार्ड निकल रहे हैं, मैं नहीं निकाल रही हूँ, सिक्स ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स. वांड्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पर. फाइव ऑफ वांड्स, उफ, ओके. एरीज, लियो, सैज की एनर्जी यहाँ पर बहुत है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी भी नज़र आ रही है, लेकिन एरीज, लियो, सैज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. फायर साइन, बॉटम ऑफ द डेक अगेन, फाइव ऑफ सोर्ड्स. ओके ओके ओके, लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स. मुझे समझ तो आ गया है, मुझे मैजिशियन का कार्ड देखते समझ आ गया था कि वो सीक्रेट है क्या, बट मैं फिर भी कुछ कार्ड और निकालना चाहती हूँ. अ बर्स्ट ऑफ मैजिक, कार्ड नंबर 48, एंड ईयर वाइड ओपन, कार्ड नंबर 33. 33, बॉटम ऑफ द डेक 6. इज इट, व्हाट इज इट, और मैं इन वाले कार्ड्स को ना इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट आज पता नहीं क्यों. नेचर वर्कशिप, वर्शिप एंड द मर्डर की एनर्जी. ओके, नाउ आई गॉट इट.
ठीक है, समझ गई मैं. ओके, सो पाइल नंबर वन पीपल, मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. जिस चीज़ को बताते हुए खुशी हो रही है वो थोड़ा सा भी मैं कंट्रोल करती हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्या आपकी मनी में या आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके की कोई अड़चन है? आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं? आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझसे छिन जाएगी, मेरी लाइफ में आते आते रह जाएगी? चलो मैं आपको सीक्रेट बताई देती हूँ. सो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा सीक्रेट है कि आप ऐसे ही लोगों को आगे आने वाले टाइम में ट्रीट करने वाले हैं, ऐसे ही लोगों को आप आगे आने वाले टाइम में हील करने वाले हैं. आप ऐसे बहुत सारे लोग, लाइक एन नंबर ऑफ पीपल आई एम सीइंग हियर, आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़ेंगे, ऐसे किसी काम से जुड़ेंगे, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाले हैं आप बहुत जल्दी. बहुत जल्दी, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके तकरीबन 9 weeks to 9 months की एनर्जी है यहाँ पर. 9 सप्ताह या फिर 9 महीने के अंदर अंदर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऐसी कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई संस्था है या कोई कुछ पर्टिकुलर ऐसी आप संस्था हो सकता है आप खुद बनाएं, या कुछ आप पर्टिकुलर ऐसा करना स्टार्ट करें जहाँ पर आप ऐसे ही लोगों की मदद करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत परेशानियाँ देखी हैं, ऐसे लोग जिनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते. आप बड़े बड़े कैंपेन्स जो है शेयर करने वाले हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर करने वाले हैं, और आप इन सब चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करके आपका सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा मोटो रहने वाला है कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे पर्टिकुलर लोगों को आगे बढ़ाएं, उनकी तरक्की के अंदर इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करें कि उनकी जो ज़िंदगी है वो सही हो सके. ये आपका सोल पर्पज़ भी हो सकता है पाइल नंबर वन पीपल. अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि हैं अरे ये क्या, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग हियर, क्योंकि अब आप बोलोगे कि जो चीज़ मेरे अंदर ही नहीं है वह मैं लोगों को कैसे सिखा सकती हूँ. भाई यही तो बात होती है ना गौर करने वाली. आज जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, और उस चीज़ की आपको अर्ज लगी हुई है पाइल नंबर वन पीपल, कहीं ना कहीं भगवान आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपके पास इतना भर के पैसा होगा ना, मैजिशियन का कार्ड है, इतना भर के पैसा होगा, आप किसी तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे होंगे या किसी कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और वहाँ से आप इतना कमा रहे होंगे, इतनी अच्छी खासी आपकी नेटवर्थ रहेगी, और आप उसका बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ मनी इस्तेमाल करने वाले हैं ऐसे ही लोगों की तरक्की के लिए. ऐसे ही लोगों की तरक्की के लिए. आपको यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि आगे आने वाले 33 और 48 डेज, आपने जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, इसके ठीक 33 और 48 डेज के बाद और दौरान आपने अपने कानों को खुला रखना है. ठीक है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस अपॉर्चुनिटी के बलबूते आप लोगों की मदद करने वाले हैं. आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर हीलर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, लाइक जो स्पेशली अकल्ट में हैं, टैरो करते हैं, रेकी करते हैं, प्राणिक करते हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि समहाउ इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ही अच्छे से इंडल्ज हैं, या फिर जिनके मन में है कुछ कर दिखाने की एनर्जी. आप आने वाले जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के 33 to 48 डेज के भीतर आपने अपने कानों को खुला रखना है, बिकॉज एन अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और ये अपॉर्चुनिटी आपको जोड़ेगी उन लोगों से, उस ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर आप उन लोगों को हील कर पाएंगे. आगे आने वाला टाइम आपकी ज़िंदगी से ये जो नेगेटिव पैटर्न है ना, ये ख़त्म होने वाला है, रिलीज होने वाला है. ये जो आप चीज़ों को लेकर इनसिक्योर रहते हो, ये जो आप चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है आपकी ज़िंदगी से. और आपकी जो ये ट्रोमैटिक लाइफ है ना, ये जो ट्रोमैटिक लाइफ की जो एनर्जीज है, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, और आप है ना कुछ नया ही क्रिएट करोगे अपनी ज़िंदगी में. ठीक है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सीक्रेट जो हो सकता है आप में से अभी प्रेजेंट लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो करके ही रहेगा. पाइल नंबर वन पीपल, यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस भी आई हुई है, प्राणायाम और माँ पार्वती की एनर्जीज. आप माँ पार्वती की वर्शिप किया करें गाइस, ठीक है, ताकि इससे क्या है आपके मन में ना सौम्यता आएगी. आप बहुत ज़्यादा जो पैशनेट हो रखे हो ना, नेगेटिवली पैशनेट हो रखे होते हो, थोड़ी सौम्यता आएगी, और डेली आप प्राणायाम करना स्टार्ट करें.
आप जितना डेली प्राणायाम करना स्टार्ट करेंगे ना, उतना ही आपके जो चक्रास है ना वो नॉर्मल और सही एनर्जी में आना शुरू हो जाएंगे. ओके, इनर एल्केमी एंड द ट्रुथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ. अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान आपको ये चीज़ कहने की कोशिश करें कि अपनी लाइट को देखो, अपनी पावर को पहचानो, करेज के साथ आगे बढ़ो. एंड इनर एल्केमी का कार्ड है यहाँ पे. इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव. जब आप फियर को रिएक्ट करोगे या फियर का रिप्लाई दोगे ना प्यार से, तो आपकी जो इनर एल्केमी है ना, एक प्रॉपर अलाइनमेंट वो आपको अचीव होगा. तो पाइल नंबर वन पीपल, अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट है 12569, प्रिपेयर कर लो अपने आप को भाई, आप लोगों का भला करने वाले हो. वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. ये चीज़ कहीं ना कहीं डिवाइन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती थी. एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द डिवाइनिक स्पिरिट गाइड्स. सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे देना ना भूलें, अपनी बात मुझे बताना ना भूलें. और डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. बी वेयर अबाउट द इंस्टाग्राम. मैं कभी भी आपको सामने से मैसेज नहीं करूँगी या सामने से रिक्वेस्ट नहीं सेंड करूँगी. समझ जाइएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कोई पर्टिकुलर फ्रॉड आदमी है. ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा. जल्दी मिलेंगे कॉर्नर रीडिंग में. Hi to all my beautiful pile number 2 people. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर. तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? सीक्रेट के बारे में. तो आज हम एक बहुत ही डिफरेंट से सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है. और इसके अंदर मदद करने वाला है कौन? आपका भाई मोबाइल नंबर. तो अगर आपका जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले नंबर का लास्ट डिजिट है 34780, तो ये है आप लोगों की रीडिंग. आइए शुरू करते हैं. ओके, सो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ. आई होप आपने अच्छे से इंट्रो देखा है, बिकॉज़ अगर आपने अच्छे से इंट्रो नहीं देखा है ना, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी पाइल सेलेक्शन में प्रॉब्लम आए. अगर अच्छे से देखा तो बहुत ही अच्छी बात है. आप जैसा पॉजिटिव इंसान कोई नहीं जो इंट्रो देख रहा है. ओके, सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग. और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि प्रेजेंटली आपकी जो एनर्जीज़ है वो क्या है, मतलब एग्जैक्ट प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या है, और उन प्रेजेंट एनर्जी की वजह से क्या चीज़ है जो डिवाइन आपको कहना चाहती है. आई होप आपको पाइल सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. पाइल सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आपने अपना वही एग्जैक्ट नंबर लेना है जो नंबर आपका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आता है. ठीक है, कोई और दूसरा नंबर आपने नहीं लेना, आपने वही नंबर लेना है एग्जैक्टली जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आता है. ठीक है, जिसके साथ आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, ढेर सारे ऐप्स रन कर रहे हैं. अब अगर आपके दिमाग में या जहन में ये क्वेश्चन हो कि भाई मैं इस नंबर से बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ लेकिन इस नंबर को कॉलिंग में इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट टेक दैट एग्जैक्टली नंबर जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू योर अदर मोबाइल नंबर्स. ठीक है, हे ईश्वरी शक्ति गाइड कीजिएगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज क्या है. 3 4 7 8 0. सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ. वाओ, मतलब रोर लाइक अ लायन, गुर्राओ एकदम शेर की तरह. मुझे यहाँ पर है ना ये एनर्जी आपकी ज़्यादा नज़र आ रही है. आई डोंट नो वाई. मुझे यहाँ पर वैसे देखा जाए स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो ये जो प्यारी सी क्यूट सी एंजल है ना जो इस शेर को काम करा रही हैं, मतलब शांत करा रही हैं. ठीक है, तो इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कार्ड है डिपेंड करता है. लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी है ना आप लोगों की, ये एंजल की नहीं, यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है कि आप जो हो ना अभी इस प्रकार की एनर्जी में हो, इस तरीके की ऊर्जा में हो कि बेवजह ही हर किसी के साथ जा कर के लड़ भिड़ रहे हो, पैशनेट बहुत ज़्यादा रह रहे हो, किसी की अपने आगे सुन नहीं रहे हो, हर वक्त अपनी अपनी चला रहे हो, और कोई भी जब आपको शांत कराने की कोशिश करता है ना तो आप उसके ऊपर घुर्रा के पड़ रहे हो. एंगर इश्यूज़,
एंगर इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंगर इश्यूज चल रहे हैं। अब देखो जो एंगर इशू होता है ना, उसको अचानक से ख़त्म नहीं किया जाता है, वो धीरे धीरे ही ख़त्म होता है। सो एंगर इश्यूज कहीं ना कहीं आपके साथ यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है द जजमेंट। ओके, जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी। कहीं ना कहीं पाइल नंबर टू पीपल, आप लोग परमात्मा से ना जवाब चाहते हैं, आप परमात्मा से जानना चाहते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही क्यों, पर्टिकुलरली मैंने ही आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने ही आपके साथ ऐसा क्या किया है जो मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों। मुझे यहाँ पर ना कंपैरिजन की एनर्जी भी नज़र आ रही है बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक प्योर कंपैरिजन की एनर्जी। हो सकता है आप कहीं ना कहीं जो जिन खुदा ने जिस जो क्रिएटर है जिन्होंने हमें बनाया है उनसे अपना हिसाब मांगते हो कि पर्टिकुलरली मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ठीक है, और क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं हिसाब किताब मांगने से ज़्यादा आप परेशान ज़्यादा रहते हैं। आप ये ज़रूर सोचते रहते हैं कि कब होगा ना सब कुछ सही, एक ऐसा टाइम पीरियड जब सब कुछ सही हो जाएगा और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। एंड देन वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दे रहा है वो है किस चीज़ की। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मुझे एनर्जी दे रहा है आपके बहुत 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 ही ज़्यादा इनसिक्योर होने की। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप इनसिक्योर हो जाते हैं पाइल नंबर टू पीपल। आज मेरे पास ये है, पता नहीं कल होगा या नहीं होगा, आज मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इन सब चीज़ों को क्रिएट कर रही हूँ, पता नहीं आगे चल करके मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा। और भाई जो चीज़ें नहीं हुई है ना उसको लेकर के भी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चलती रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जीज। अगर आप लोगों की एनर्जी ऐसी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप उत्सुक रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं चीज़ों को जानने के, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से एंगर इश्यूज बहुत हो रहे हैं, उन एंगर इश्यूज को आप संभाल नहीं पाते हो, हर किसी के साथ लड़ते भिड़ते की एनर्जी में रहते हो, इनसिक्योर रहते हो चीज़ों को लेकर के, एक सफरिंग की एनर्जी में रहते हो और शांत नहीं हो पाते हो, और आप ऐसा सोचते रहते हो कि हाउ टू डील विद दिस करेंट एनर्जी, किस तरीके से इस चीज़ से डील करूँ और इस चीज़ से किस तरीके से मैं बाहर आऊँ। तो कहीं ना कहीं आपको राह नहीं मिल रही है पाइल नंबर टू पीपल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जीज। नाउ लेट्स सी भाई वो राज आखिरकार है क्या। ओके, सो चलो देखते हैं। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू नो बिकॉज दिस इज टोटली गाइडेड रीडिंग और मुझे सच्ची बताऊँ कुछ नहीं पता है। आई एम जस्ट लाइक न्यूट्रल जैसे कि आप लोग हैं अभी हाल फिलहाल। तो देखते हैं, लेट्स सी पाइल नंबर टू ऑफ सोर्ड्स, द मून। ये राज कहीं से भी हो सकता है, आपका करियर, लव, हेल्थ। फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ वॉन्स। देखो अगेन फाइव ऑफ वॉन्स, फाइव 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 की एनर्जी ज्यादा है यहां पर। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। समझ गए, बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ वॉन्स। ओके भाई, ओके ओके ओके, लेट मी चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो। कार्ड नंबर 35 अ टॉल टेल एंड कार्ड नंबर 44 डिवाइन मैट्रिक्स। यहाँ पर 44 का भी कार्ड है, वेरी गुड। ओके जी, अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ पाइल नंबर टू पीपल, 34780 आपके मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट।
भाई देखो, मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत बार बहुत कुछ नेगेटिव नेगेटिव बोला है, आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत किया है, इमोशंस में बहुत गलत देखा है आपने अपनी लाइफ में। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत रहे हैं आप, हमेशा असमंजस की स्थिति में। थ्री ऑफ सोर्ड्स में आप बहुत रहे हैं हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज में, ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में। फोर ऑफ सोर्ड्स हमेशा वेटिंग की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा रहे हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि क्या है वो सीक्रेट आखिरकार जो परमात्मा आपको इस वक्त इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, वो कौन सा राज है, कौन सी पोल है जो खोलना चाहते हैं आपके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट। और वो है आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप अभी हाल फिलहाल मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे जो भी मर्जी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। गाइस, आपकी ज़िंदगी में पर्टिकुलरली कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी के तारों को हिला देगा, ठीक है। कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये कोई आ रहा हो सकता है, कोई आ रही हो सकती है, ठीक है, सेम जेंडर भी हो सकता है, बट ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि लव एनर्जीज़ में आपके पास में आ रहे हैं। और इस पर्सन के साथ आपका स्ट्रांग ट्विन फ्लेम या स्ट्रांग सोलमेट कनेक्शन है। आपको इस पर्सन के साथ मिल करके, आपको इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मिल करके और कुछ बड़ा क्रिएट करना है। मतलब भगवान इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में इसीलिए भेज रहे हैं ताकि आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मिल करके कुछ बड़ा क्रिएट कर सकें। आई एम सीइंग आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं यहाँ पर, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग अपने वैल्यूएबल पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पाइल नंबर टू पीपल, वो कुछ ऐसे अपने स्पाउस के साथ हैं जो कि उनके कार्मिक हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि वैल्यूएबल नहीं है, जिनके साथ पटती नहीं है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे कमिटेड या किसी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन के अंदर है जहाँ पर नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ गर्ता ही दिखता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती है। आई मस्ट से आपकी ज़िंदगी की जो डिवाइन मैट्रिक्स है ना पाइल नंबर टू पीपल, वो फाइनली खुल गई है। आप है ना अपनी ज़िंदगी को, जब आपकी काफ़ी एज हो जाएगी, आप हो जाओगे 60, 65, 70, 75, 80 तक के, तब आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप देखोगे कि अरे यार कितनी लंबी लड़ाई थी, कितनी लंबी कहानी थी जो मैंने कंप्लीट करी। और आज उस कहानी को कंप्लीट करने के बाद आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब अगर ये कॉस्ट्यूम भी मेरे को छोड़ना पड़ जाए ना, यानी कि अगर मेरे को डेथ को भी देखना पड़ जाए ना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन माई ओन एनर्जीज। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, और मैं सच्ची बताऊँ, आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सोल पर्पज़ है फाइल नंबर टू पीपल, टू सर्व द नेशन, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द नेचर, ठीक है, नेचर को सर्व करना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, प्लांट्स के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के सामने एक स्ट्रांग इंस्पिरेशन साबित करना। और ये जो ऊंच नीच, जाति वाति, इन सब चीज़ों की जो सिचुएशन चलती है ना, तू काला मैं गोरी, और अरे ये तो ये है, अरे वे तो वो है, ये जितनी भी नेगेटिव भ्रांतियाँ हैं ना समाज के अंदर, इन चीज़ों को तोड़ना, इन चीज़ों को काटना इज ऑल अबाउट योर सोल पर्पज़। हो सकता है ये आपका सोल पर्पज़ है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। चाहे आप किसी शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, चाहे आप सिंगल हैं टोटली, चाहे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, आई एम सीइंग समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। ये कब तक आ रहा है मैं चेक कर लेती हूँ, बट समवन इज कमिंग इन योर लाइफ जिसके साथ आपका ट्विन फ्लेम या स्ट्रांग सोलमेट कनेक्शन होगा, और उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी को और एम्ब्रेस करेंगे, और आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ लोगों के लिए कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं कमिंग 9 weeks to 9 months के अंदर अंदर। वैसे पेंटिकल स्टैंड्स फॉर ईयर, बट मैं यहाँ पर ऐसी फीलिंग देख रही हूँ कि 9 साल से ज़्यादा आपको तो कहीं ना कहीं हो चुका है सफ़र करते हुए, ठीक है, बट आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। सो फॉर लॉट्स ऑफ पीपल इट विल बी इन कमिंग 9 weeks to 9 months, और कुछ लोगों के लिए इट विल बी फॉर श्योर इन द कमिंग 3 weeks to 3 months, ठीक है। हाई प्रिस्टस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये इंसान एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान होगा जो आपको आपके जो बंद ताले हैं ना उनको खोलेगा, है ना, आपके बंद तालों को खोलेगा, आपको समझाएगा कि ज़िंदगी क्या होती है और उसको किस तरीके से जिया जाता है, ठीक है, और आपको संभाल के, आपको हील करके अपने साथ उस पॉजिटिव एनर्जी के अंदर लेकर के
और आपके साथ में कुछ बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्रिएट करेगा। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी है आसन, और दूसरा कार्ड है यहाँ पे कृष्णा। तो कृष्णा आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बार बार यू नो प्रेरित करेंगे। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कितनी गलत बात है ना, दैट मैं तो शादीशुदा हूँ या मैं तो किसी के साथ रिलेशन में हूँ, स्टिल आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सम अदर पीपल, तो मैं ये क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो इन सब भ्रांतियों के बीच, इन सब चीज़ों के बीच भी आप जो इस पर्सन के साथ अट्रैक्टेड फील करेंगी एंड आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये कर्माबद्ध चीज़ है। कर्माबद्ध चीज़ की अगर मैं बात करूँ वो क्या होता है भाई, कोई चीज़ ऐसी जो कि भगवान ने पहले से ही लिखी हुई है, दिस इज इन योर डेस्टिनी, ओके, टू बी विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसके साथ होना, उसके साथ रहना, ये कहीं ना कहीं कर्माबद्ध है, भगवान चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए एडवाइजेज है अर्थ गाइडेड, यानी योर सैक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। आपको इस धरती पर भेजा है इसलिए गया है ताकि आप जो है ना खुद भी प्यार पा सकें और आप लोगों को भी प्यार दे सकें। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स लव शाइन्स थ्रू दी मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। भाई भगवान जी जो है ना आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, आपको भी भगवान जी को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइन मैट्रिक्स का कार्ड था। ठीक है, कि जो डिवाइन की जो मैट्रिक्स है वो आपको कुछ ऐसा देने वाली है जिसको देख करके आप बहुत चक्के रह जाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिफरेंट सीक्रेट फॉर यू गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सेलफोन मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट है 34780, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और हम लोग जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार और बहुत सारी वाली एनर्जीज़।